हे गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना एपीआई यूटिलिटी क्लास बना लिया था। अब हम एक ऐप को एक बार टेस्ट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। हाँ, तो मेरा ऐप अभी रन हो रहा है बहुत ही अच्छे से। देख सकते हैं, पहले यहाँ पर टेक्स्ट शो कर रहा था, अब यहाँ पे आइकन शो कर रहा है। ठीक है, तो यही हम लोगों ने चेंजेस किए थे और इस वीडियो में हम आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अडेप्टर बनाएंगे अपने रिसाइकलर व्यू के लिए। तो पहले तो रिसाइकलर व्यू लगा लो। रिसाइकलर व्यू लगाना कहाँ भाई, हमें रिसाइकल व्यू कहाँ लगाना है, होम फ्रेगमेंट में लगाना है। ठीक है, होम फ्रेगमेंट को अपना ओपन करेंगे और यहाँ पर फ्रेम लेआउट है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लेआउट में चेंज करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, एक रिसाइकलर व्यू ले लेंगे यहाँ पे। हाँ, इसकी आईडी हम दे देंगे। क्या देंगे आईडी हम, होम रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अब चलिए अडाप्टर बनाते हैं। पहले तो राइट क्लिक, अडाप्टर, तो इसे हम सबसे पहले एक्सचेंज करेंगे। इसको हम अपने रिसाइकल व्यू अडेप्टर के, रिसाइकल व्यू के अडेप्टर क्लास को, देन एक पब्लिक क्लास बनाएंगे। पब्लिक क्लास व्यू होल्डर से एक्सटेंड करेंगे। क्लास का स्पेलिंग गलत है। एक्सटेंड करेंगे व्यू होल्डर, इसकी जो सोपंग, इसकी मैचिंग कंस्ट्रक्टर है उसे क्रिएट करेंगे। एंड देन इसके यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, रिसाइकलर व्यू, सॉरी अडेप्टर, एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। इनके इनके इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे सारे के। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट चाहिए होगा। कंटेक्स्ट, फिर हमें एक एरे लिस्ट चाहिए होगा। एरे लिस्ट इसका टाइप होगा हमारा मॉडल क्लास। इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, देन ऑन क्रिएट में आते हैं हम। ऑन क्रिएट से पहले हम आएंगे अपने व्यू होल्डर में, उससे पहले हम आएंगे अपने आइटम लेआउट में और सबकी आईडी को देंगे। ठीक है, तो आईडी मेरा सब यहाँ पे देख सकते हो आप, आईडी मेरा क्या क्या है। सबसे पहले जो मेरा न्यूज़ है उसको मैं बड़ा करता हूँ। तो ये न्यूज़ मेरा, इसकी आईडी क्या है, मेन मेन हेडलाइंस आईडी है। इस तरह करके आपको आईडी दे देना है ताकि आपको वहाँ पर फाइंड कर सके ये किसकी आईडी क्या है। डिस्क्रिप्शन आईडी है, ये है हमारी इमेज, व्यू की आईडी होगी, ये ऑथर है, पब्लिश है। तो अब हम चलते हैं अपने अडेप्टर में और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा कितना टेक्स्ट व्यू है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टेक्स्ट व्यू है, एक इमेज व्यू है। ठीक है,
ओके, तब हम अडाप्टर में आते हैं, अपने अडाप्टर में, और पब्लिक क्लास में हम यहाँ पे बनाएंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू सबसे पहले तो हेडलाइंस रहेगा, हेडलाइन। फिर क्या रहेगा, हमारा मेन न्यूज़ रहेगा। फिर हमारा रहेगा ऑथर। फिर रहेगा, हालांकि मेन न्यूज़ मतलब डिस्क्रिप्शन में जो आएगी वो उसी उसी को मेन न्यूज़ बोलते हैं। उसके बाद आएगा पब्लिश्ड, पब्लिश्ड एट। अब हम क्या करेंगे, सब एक इमेज व्यू लेंगे। एक इमेज व्यू, तो इसको नाम इमेज व्यू दे देते हैं। सबके आईडी के फाइंड करके सबको लिखना, हेडलाइंस आइटम व्यू। डॉट फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट, हमारा क्या है उसकी, इसकी आईडी क्या थी जो मेन हेडलाइंस है। देखो यहाँ पर आईडी आ रही, मेन हेडलाइंस वाली आईडी थी, ठीक है। तो इस तरह करके सारी की आईडी के साथ आपको फाइंड कर लेना। तो मैं मिलता हूँ, इस सबको लिख लेता हूँ उसके बाद एक ही साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सारी की आईडी के साथ उसको फाइंड करके अटैच कर दिया यहाँ पर, उसी तरह आपको कर लेना है। और हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में और यहाँ पे अपने काम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद व्यू लेआउट इन्फ्लेटर, बेसिकली हमें जो आइटम लेआउट उसे इन्फ्लेट कराएंगे। डॉट फ्रॉम कंटेक्स्ट, हमारा कंटेक्स्ट रहेगा। डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट। देन यहाँ पे पेरेंट पास करेंगे, देन हम नल पास करेंगे, सॉरी नल नहीं, फॉल्स। देन हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न कराएंगे, रिटर्न न्यू व्यू होल्डर, और इस व्यू को यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आते हैं, ठीक है। यहाँ का काम है मेन डाटा का, डाटा बाइंडिंग यहीं पे होगा, ठीक है। तो हम होल्डर, मेन हेडलाइंस रहेगा हमारा हेडलाइंस डॉट सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट हमारा एरे लिस्ट में रहेगा, तो एरे लिस्ट को हम लेंगे मॉडल एरे लिस्ट डॉट पोजिशन। गेट, गेट इसके अंदर पोजीशन पास करेंगे हम। उसके बाद हम क्या गेट का आएंगे, डॉट गेट टाइटल। ओके, नेट डॉट गेट, हाँ गेट टाइटल ये करना है हमें, ठीक है। अगेन सेम करेंगे होल्डर डॉट। अब हमें क्या चाहिए, अब हम मेन न्यूज़ यानी कि जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन है उसमें भी यही काम करेंगे। सेट टेक्स्ट मॉडल एरे लिस्ट डॉट गेट पोजिशन देंगे हम यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, बाहर गेट टाइटल, गेट टाइटल नहीं, गेट डिस्क्रिप्शन होगा शायद। अगेन हम करेंगे होल्डर डॉट ऑथर डॉट सेट टेक्स्ट मॉडल एरेलिस्ट डॉट मॉडल एरेलिस्ट डॉट गेट पोजिशन पास करेंगे हम। देन हम पास करेंगे गेट ऑथर। अगेन हमारे पास और एक टेक्स्ट है पब्लिश सेट का, वो भी हम सेट करेंगे ऑथर होल्डर डॉट पब्लिश सेट डॉट सेट टेक्स्ट डॉट सॉरी मॉडल एरेलिस्ट डॉट गेट इंडेक्स पोजिशन। देन हम
गेट कराएंगे अपना पब्लिक स्टेट वाले टाइम। ठीक है, अब मेन काम आता है हमारा इमेज लोडिंग का। ठीक है, तो इमेज लोडिंग के लिए हम सबसे पहले ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो ग्लाइड लाइब्रेरी को ढूंढते हैं हम, ग्लाइड लाइब्रेरी एंड्रॉयड। इसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, तो डिपेंडेंसी आपको नीचे भी मिल जाएगी और सर्च भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे पेस्ट कर लेना। वेट करते हैं जब तक ये लोड होता है, इसकी सिंक प्रोसेस कंप्लीट होती है तब तक। डन हो चुकी है, अब हम फिर से चलते हैं अपने अडेप्टर क्लास में। ओके, अब हम होल्डर, सॉरी होल्डर नहीं, अब हम लेंगे ग्लाइड, ग्लाइड ग्लाइड अभी तक नहीं शो कर रहा है, ऐसा क्यों? ये रिपोजिटरीज में मावन सेंट्रल को ऐड करके देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या मामन पहले से है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। या हम लेंगे ग्लाइड डॉट विथ, विथ के बाद कंटेक्स्ट, देन उस टाइम पहले ऑटो सजेशन काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। ठीक है, डॉट लोड, अब हमें यहाँ पर यूआरएल चाहिए, इमेज वाला यूआरएल, तो वो मॉडल लिस्ट, मॉडल हमारे एरे लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट यूआरएल टू इमेज। ओके, यूआरएल टू इमेज आ गया है, अब हमें डॉट इनटू होल्डर डॉट इमेज इमेज व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे गेट आइटम काउंट में। यहाँ पे हमें मॉडल एरे लिस्ट का साइज को रिटर्न कर देना है। ठीक है, मॉडल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने होम फ्रेगमेंट में। तो ये बहुत सारी कोड होगी, इसे आप डिलीट कर दो, इसे कोई काम का नहीं है। अब एंड्रॉयड वालों ने दी है तो कुछ काम का होगी, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, लगता है कुछ काम का ही हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हमें कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके ऊपर से डिलीट कर, अच्छा हम लोगों ने ये पब्लिक क्लास से डिलीट कर दिया था, सॉरी सॉरी फॉर दैट। मतलब डिलीट करने में तुम लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं ना यार। चलिए इसे डिलीट करते हैं नाउ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सेटअप करते हैं, इसकी इसको यहाँ पे यूज करना है हमें, तो हमें इसको डिलीट करते हैं, इस लाइन को। व्यू व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट फ्रेगमेंट होम देन नल एंड देन रिटर्न दिस वैल्यू रिटर्न वी। और जितनी सारी हमारी काम होगी वो हमारे इसके बीच में होगी। ठीक है, इसके बीच तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे पहले अपनी एपीआई की ले आओ भाई, एपीआई
एपीआई की जरूरत पड़ने वाली है, तो तुम लोग अपना अपना एपीआई की यूज़ कर लेना, मैं यहाँ अपनी वाली डाल रही हूँ। अगर मेरे भी कॉपी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपनी ही यूज़ करो क्योंकि अच्छा होगा यार, अपना ही यूज़ करो। अब मैं अपनी एपीआई को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट लेगा नहीं, ठीक है? तो अपने इसको मैं यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद रिसाइकल व्यू, मेरे जो रिसाइकलर व्यू नीचे है, रिसाइकलर व्यू एडाप्टर, ओके। अब हम सबकी आईडी को फाइंड करते हैं यहाँ पे, रिसाइकलर व्यू डॉट फाइंड व्यू आई आई डी, या सॉरी इज इक्वल टू फाइंड वी डॉट फाइंड व्यू आई आई डी आर डॉट आई डी डॉट होम रिसाइकलर व्यू, देन अच्छा हम एक हमें अरे लिस्ट भी चाहिए, ठीक है? तो हमारी लिस्ट तो बनाए नहीं, तो उसको भी बनाना पड़ेगा यहाँ भाई। अरे लिस्ट जिसका टाइप होगा हमारा मॉडल, मॉडल है लिस्ट है। एरेलिस्ट का भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ बना लेते हैं। मॉडल एरेलिस्ट इज इक्वल टू न्यू मॉडल एरेलिस्ट, न्यू एरेलिस्ट, ओके। देन अडैप्टर इज इक्वल टू न्यू अडैप्टर, या कंटेक्स्ट आएगा गेट कंटेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे अपनी मॉडल एरे लिस्ट को, ठीक है? वो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर सेट कर देते हैं ये अडेप्टर को, और रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, इसमें दिस पास कर दो, हो गया। अब हम दिस नेम गेट कंटेक्स्ट आएगा, सॉरी। अब हम एक मेथड बनाएंगे हमारे न्यूज़ को फेच करने के लिए, ठीक है? जो एपीआई कॉलिंग करेगा, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मेथड बनाना है, ठीक है? तो मेथड का नाम हम दे देंगे गेट न्यूज़, ये देखो ये वॉइड होगा यहाँ पे, मेथड हम बना रहे कॉल नहीं कर रहे, ठीक है? उसके बाद हम एपीआई यूटिलिटीज डॉट गेट एपीआई इंटरफेस डॉट, कौन सा वाली मेथड को यूज कॉल करना है, गेट न्यूज़ वाली, ठीक है? गेट न्यूज़। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना था, कंट्री में क्या आएगा, देखो कंट्री में क्या पास करना है हमें, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, इंडिया का कोड है, तो टाइप करो IN, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पेज साइज, तो पेज साइज हमारा 100 रहेगा, देन ऊपर वाली एपीआई की
देन इन क्यू न्यू ओके तो अब हमारा काम हो चुका है. इफ डॉट इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल ऐसा है तो क्या करेंगे, सारे डाटा को लेंगे मॉडल एनालिसिस में ऐड कराएंगे. डॉट एड ऑल रिस्पॉन्स की बॉडी से हमें दे दो आर्टिकल्स वाले, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिस्प्यूट टाइप कर दिया सॉरी, क्लोज. उसके बाद हमारे मॉडल एनालिसिस में डाटा आ चुकी है. अब हम क्या करेंगे, अडेप्टर को बोलेंगे भाई अडेप्टर डाटा चेंज हो गया है, तुम अपना सारे डाटा को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो. ठीक है, तो हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है. अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि हमारे पास डाटा आ रही है कि नहीं आ रही है. तब तक के लिए बाय, कोई एरर होगा तो मैं मिलूंगा एरर के साथ. तो यार किसी ने सच ही कहा जल्दी का काम शैतान का. ठीक है, तो हम लोगों ने गेट न्यूज़ का मेथड को बना लिया था, लेकिन इसे कॉल तो फिर तो कराना पड़ेगा ना यार. हम लोगों को ऐप लॉन्च करने का इतना जल्दी रहता है क्या बोले. अब हम मैं रन पे क्लिक करता हूँ. ठीक है, अब देखते हैं कि सब सही होता है कि नहीं होता. तो क्या लगता है डाटा आएगा कि नहीं आएगा? यस, हम लोगों का डाटा आ चुका है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ऐप काम कर गया है बिना कोई एरर का. तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आई होगी यहाँ तक तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. इंस्टाग्राम की लिंक नीचे रहेगी. मिलेंगे अगले वीडियो में और हम देखेंगे कि सारे फ्रेगमेंट में डाटा कैसे लाना है. ठीक है, तो चलते हैं, बाय.